सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने पिछले प्रकरण में वसंत भाग दो के पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर शुरू किया था। उसमें हमने पृष्ठ 102 और 103 तक पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्थानीय व्यंजन जो हैं वो उनमें कमी आ गई है और देश विदेशी व्यंजन जो हैं वो दुनिया अपना रही है। जटिल प्रक्रिया वाले भोजन अब कोई नहीं बनाना चाहता और शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसमें लोग गृहिणियाँ जल्दी बनने वाले भोजन ही बनाना चाहती हैं। जिन व्यंजनों में मावों के बिना स्वाद नहीं आता उन्हें पकाने में अब कोई क्यों नहीं सोचेगा। प्रश्न 104, खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है इसे अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। खान पान में आप देखते हैं कि एक मिश्रित संस्कृति हमारे सामने आई है और उसमें एक सकारात्मक पक्ष भी है। वो क्या है? गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। महिलाएँ गृहिणियाँ अब घर पर ही घर से ही वो लोग काम करती हैं और कामकाजी महिलाएं होती हैं, उन्हें घर पर रहने का समय नहीं मिलता क्योंकि वो बाहर काम पर जाती हैं और उनके पास इतना समय नहीं रहता कि वो अब सारा दिन देर तक बनने वाले भोजन बना सके। उन्हें अब जल्दी तैयार होने वाले भोजन की विभिन्न व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध और आसानी से हो जाती हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में। अब जो हमारी नई पीढ़ी है उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में, देश विदेशी व्यंजनों के बारे में जानने का उनको सुअवसर मिला है। चाहे वो किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। और ये भी पता है कि उन्हें जो व्यंजन मिल रहे हैं वो निखालिस मीन्स शुद्ध नहीं है, उनमें पौष्टिकता नहीं है। आजकल बच्चे बड़े सब जल्दी बनने वाले भोजन, बर्गर, पेटीज, चाउमीन, नूडल्स, सैंडविच, इडली डोसा, ये सब खाना पसंद करते हैं और आजकल इन चीज़ों में उतनी पौष्टिकता, उतनी शुद्धता नहीं पाई जाती जितनी प्राचीन समय में पाई जाती थी। तो ये चीज़ें हमारे लिए शुद्ध नहीं रहती और हमारे स्वास्थ्य को ये खराब कर देती हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरी तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। आज़ादी के बाद क्या हुआ? उद्योग धंधों में बदलाव आया, नौकरियों में तबादलों में एक नया विस्तार हुआ कि एक शहर के लोग दूसरे शहर में जाकर रहने लगे, इवन एक देश के लोग भी दूसरे देशों में जाकर नौकरी करने लगे और इससे एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति में पहुंची। उसके कारण खान पान की चीज़ें भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचने लगी। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। इस पंक्ति से आप समझते हैं कि जब मिडिल क्लास फैमिली मिडिल स्कूलों में, बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे स्कूल होते हैं और बच्चे जब वहाँ स्कूल पढ़ने जाते हैं और लंच टाइम में जब उनके टिफ़िन ओपन होते हैं, खुलते हैं, तो उनके जैसे ही टिफ़िन खुलते हैं तो उसमें से विभिन्न प्रदेशों में, क्योंकि जब लोगों की नौकरियाँ, लोगों के ट्रांसफ़र शहर से दूसरे शहर में हो जाते हैं तो वहाँ पर एक ही विद्यालय में कई शहरों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रदेशों के लोग रहने लगते हैं जो अपने बच्चों को टिफ़िन में अपने राज्य विशेष की चीज़ों को बनाकर देते हैं। और इसलिए कहना आसान है कि जब बच्चे मध्यम वर्गियों के जब खुलते हैं तो विद्यालय में एक प्रदेशों के व्यंजनों, एक टिफ़िन डिब्बों में से विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू का आना तो आसान है, आम हो चुका है ये सब चीज़ें। हम खान पान में से भी एक दूसरे को जानते हैं और अगर कोई बच्चा दक्षिण का है वो अपने टिफ़िन में विद्यालय में इडली डोसा लाता है तो हमें पता चल जाता है कि वो साउथ का है। अगर वो खांडवी या ढोकला लाता है तो हमें पता चल जाता है गुजरात का है। अगर वो मक्की की रोटी या साग या पंजाब की कोई डिश लाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये पंजाब का है।
तो हमें इससे एक दूसरे के खान पान से भी एक दूसरे के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता है। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति से में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। सिर्फ टिफिन में लाना ही हमारी राष्ट्रीय एकता को नहीं बढ़ावा देगा। यदि हम उन चीज़ों के बीज को बढ़ाना चाहते हैं, नई संस्कृति के बीज को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा और हमें उन चीज़ों को बनाना सीखना भी पड़ेगा। मसलन हम उस बोली बानी भाषा आदि को भी किसी न किसी रूप से ज़्यादा जानेंगे जो कि खान पान विशेष से जुड़ी हुई है, तभी हम आपकी बोली और वेशभूषा के बारे में जान सकेंगे जो चीज़ें खान पान से विशेष रूप से जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी ज़रूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। अब हमें सिर्फ और जगह की खान पान पर विशेष ध्यान नहीं देना, बल्कि हमारे जो स्थानीय व्यंजन भी हैं उन्हें हम पुनरुद्धार मीन्स उनमें हम कुछ चेंजेस करके उनकी तरफ ध्यान देना भी अब ज़रूरी है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, एथनिक। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए कि कोई भी हमारा स्थानीय व्यंजन हुआ और हमने सिर्फ वो 5 स्टार होटल में बनने के लिए छोड़ दिया, नहीं, हमें उसमें कुछ चेंजेस करके उसमें और भी चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। 5 सितारा होटलों में भी कभी कभार मिलते रहें पर घर बाजारों से गायब हो जाएं तो ये एक दुर्भाग्य ही होगा। और अगर हम सिर्फ ध्यान देंगे कि हमारा स्थानीय व्यंजन जो है, हमारा स्थानीय भोजन जो है, कि वो सिर्फ 5 सितारा होटल 5 स्टार होटल्स में ही मिले, जगह जगह पर 5 स्टार होटल होते हैं हर शहर में, लेकिन हमें सिर्फ उनको 5 स्टार होटल तक ही नहीं छोड़ना पड़ेगा बल्कि उन्हें हमें ये भी ध्यान देना ज़रूर होगा कि वो हमारे घर और बाज़ारों से गायब ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ कचौड़ियाँ जलेबियाँ भी आज बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है, तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए अपने स्थानीय व्यंजन को भी अब संभालना होगा। हमें उसे घर बाजार से गायब नहीं करना होगा, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान अब देना है। अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि उत्तर भारत में जो चीज़ें पहले गली मोहल्ले जगह जगह दुकानों पर आम बहुत आसानी से मिल जाया करती थी अब उन्हें खास दुकानों में तलाशा जाता है। हाँ, ये होता है क्योंकि हमने अपने स्थानीय व्यंजन की तरफ ध्यान नहीं दिया। पहले वो चीज़ें आम थी, गली मोहल्ले की हर दुकान पर मिलती थी। समोसे ले लो, जलेबी ले लो, कचौड़ी खस्ता ले लो, छोले ले लो, लेकिन अब ये चीज़ें क्या हैं, इन्हें बड़ी बड़ी दुकानों में ढूंढा जाने लगा है। हर चीज़ अब हर जगह नहीं मिलती। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हम तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। और यह भी कोई बात झूठ नहीं है, ये भी बात एक सत्य है, कड़वा सच है कि हमने अपने स्थानीय व्यंजनों को दिन पर दिन नई नई व्यंजन आ गए उनके चलते हम उनको देखते गए और अपने पुराने स्थानीय व्यंजनों को हमने छोड़ दिया, तो इनकी आधुनिकता भी अब क्या है, ख़त्म हो रही है। पश्चिम की नकल में बहुत सी चीज़ें ऐसी हमने अपना ली हैं जो स्वास्थ्य सस्ता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं हैं। इससे कहने का आश्चर्य है कि हमने अपने स्थानीय व्यंजन को छोड़कर जो हमने पश्चिम की खान पान को अपना लिया है, हमने रोटी दाल हरी सब्जियों को छोड़कर जो हमने इडली बर्गर समोसे चाउमीन खाने शुरू कर दिए हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, हमारे लिए अनुकूल नहीं है। हो ये भी रहा है कि खान पान की मिश्र संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। मिश्र संस्कृति के चलते क्या हो रहा है, जो मिला वो खा लिया, बर्गर मिला बर्गर खा लिया, रोटी मिली रोटी खा ली, हरी सब्जी मिली हरी सब्जी खा ली, मोमोज मिले मोमोज खा लिए। तो इस खान पान की मिश्र संस्कृति में हम कई बार अलग अलग चीज़ें खा तो लेते हैं लेकिन हम हर चीज़ का असली स्वाद नहीं ले पाते और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। गड़बड़ मीन्स मिला जुला हो जाता है, हम हर चीज़ को स्वाद लेकर नहीं खा रहे हैं। एक साथ ढेरों चीज़ें रखी दी जाती हैं,
कोई मेहमान आया, उसके आगे 10 चीज़ें रख दी। 10 चीज़ों में हमारी भारतीय संस्कृति का भी सामान है, पाश्चात्य संस्कृति का भी सामान है, और आगे की व्यंजन भी उसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। तो वो स्वाद जो होते हैं, वो स्वाद एक चीज़ का स्वाद हम नहीं ले पाते, वो सारे स्वाद हमारे गठबंध में मिले जुले हो जाते हैं। खान पान की मिश्रित देवी भी संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर तो देती हैं, हम उसका लाभ प्रयास नहीं उठा रहे हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति या विभिन्न संस्कृति हमें बहुत सारी चीज़ें चुनने का अवसर दे रही है, लेकिन हम उस चीज़ का लाभ भी नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज हैं कि हम खाएं क्या, हम किसी चीज़ को स्वाद लेकर नहीं खा पा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। हम कहीं शादी में गए या घर में गए या घर में कोई गेस्ट आया और हमने बहुत सारी चीज़ें घर में बनी हैं, अलग अलग प्रांत की चीज़ें हमारे घर में 3-4 बनी हैं, हमने प्लेट में एक साथ परोस ली और लेकिन वो सब क्या हो गई, मिलजुल गई। चलो शादी में होता है, प्लेट में हम जब खाना लेते हैं उसी में हम थोड़ा थोड़ा एक चम्मच सब चीज़ रख लेते हैं, तो हम उस समय एक भी चीज़ का स्वाद नहीं ले पाते। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और विकसित होने वाली है, तो उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। हमें पता है कि हमारी जो स्थानीय व्यंजन थे और जो हमारे आधुनिक व्यंजन हैं, उन दोनों का मिलाप ही मिश्रित संस्कृति है, और हमें इसी संस्कृति को अपने खान पान में अपनाना है और यही आगे हमारे भविष्य में विकसित होने वाली है, तो हमें इसे समय समय पर जांचते रहना चाहिए और हमें हर चीज़ का स्वाद लेकर ही उस चीज़ को खाना चाहिए। तो ये था कुछ खान पान की बदलती तस्वीर की, खान पान की कैसे समय समय के अनुसार तस्वीर बदल रही है, एक जगह का व्यंजन दूसरी जगह दूसरे प्रदेश में कैसे आसानी से उपलब्ध हो रहा है,